बर्फ की चादर से ढकी घाटी की ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की है। अपने आप को बर्फ की आगोश में छुपाए हुए इस घाटी में इन दिनों सैलानियों का तांता लगा है। देश के साथ साथ विदेशों से भी सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने और नए साल का जश्न मनाने लाहौल स्पीति पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 22,000 वाहनों ने घाटी में प्रवेश किया है, जबकि 19,975 वाहनों ने अटल टनल रोहतांग के माध्यम से घाटी को छोड़ा। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही घाटी में आए लोगों से जिला उपायुक्त ने अपील की है कि पर्यटक कानून के दायरे में रहकर जश्न मनाएं और नियमों का पालन करें। यहाँ पे आप आए हैं, आ रहे हैं तो एंजॉय करें, लेकिन कृपया करके जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करें। हमारा जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वहाँ पे देखा गया काफी गंदगी फैलाई गई है, तो कृपया करके हमारा जो ये प्रिस्टीन ब्यूटी है उसको मेंटेन किया जाए। और कुछ जो गाड़ियां हैं वो नदी में चले गए लेके या लेक में लेके चले गए, वो कृपया करके, ये दंडनीय अपराध है, इसको ना करें। हमने आपको भी देखा कि आप जो गाड़ी अंदर आई थी वो चलान हमने किया। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे इस समय जो लाहौल एरिया में जो टेम्परेचर चल रहा है वो -12, -15 डिग्री तक चलता है, तो इसमें रोड काफी स्लिपरी हो जाता है, तो कृपया करके जब गाड़ी आप चलाएं तो काफी ध्यान से चलाएं। बता दें कि जिला पुलिस जिले में ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से यातायात और कानून व्यवस्था का संचालन कर रही है। जिले में प्रतिदिन पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, जिसके चलते शेडो जोन, असुरक्षित जगह, असुरक्षित नदी किनारों में पुलिस गश्त को आसान बनाने में ड्रोन सर्विलांस की मदद ली जा रही है। सूर्या समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट।